नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नव भारती परिवार में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम पढ़ते हैं 11th क्लास वाणिज्य वर्ग कॉमर्स सेक्शन जो है उस कॉमर्स सेक्शन का चैप्टर फर्स्ट। कॉमर्स सेक्शन 11th क्लास चैप्टर फर्स्ट और फर्स्ट चैप्टर जो है उस फर्स्ट चैप्टर का हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज जो है उनका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उनका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो उनका वर्गीकरण अगर हम बात करें तो बिजनेस एक्टिविटीज को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है, सबसे पहले हमें जानेंगे। देखिए कोई भी चीज जब इंडस्ट्री में प्रिपेयर होती है, ठीक है, इंडस्ट्री में जो चीज तैयार होती है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। इंडस्ट्री में जो एक्टिविटी होती है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। इंडस्ट्री में जो एक्टिविटी होती है उसे प्रोडक्शन, और इंडस्ट्री में जो चीज तैयार होती है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है कस्टमर के पास। किसके पास पहुंचाया जाता है, कस्टमर के पास। और इंडस्ट्री में तैयार प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचाने की जो एक्टिविटी है, जो क्रियाएं हैं, उस क्रिया को हम बोलेंगे कॉमर्स। उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, कॉमर्स। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों मिलाकर के बनता है बिजनेस। इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स इक्वल टू बिजनेस। दोबारा फिर बता रहा हूं कि बिजनेस को हमने दो भागों में बांटा, बिजनेस एक्टिविटी को दो भागों में बांटा, इंडस्ट्री और कॉमर्स। सबसे पहली चीज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या है, तो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स को, इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में तैयार किया जाता है। इंडस्ट्री में यूटिलिटी, जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज में यूटिलिटी लाई जाती है, उपयोगिता उसमें लाई जाती है, और उपयोगिता लाकर के उन चीजों को उपयोगी बना करके उनको कस्टमर के लिए पेश किया जाता है, ग्राहकों के लिए पेश किया जाता है, ठीक है। तो हमने बात की इंडस्ट्री क्या है, तो इंडस्ट्री एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार किया जाता है, जिसमें रिसोर्सेज में यूटिलिटी तैयार करके उन ग्राहकों के उपयोग के लायक बनाई जाती है, यूज करने के लायक वस्तुओं को बनाई जाती है। तो अब इंडस्ट्री में जो चीज तैयार होती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। इंडस्ट्री में जो चीज तैयार होती है, मैं इसको थोड़ा ब्रीफली लिख देता हूं, इंडस्ट्री में जो चीज तैयार होती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट प्रिपेयर करने की एक्टिविटी जो होती है, प्रोडक्ट जो बनाया जाता है, उत्पाद जो तैयार किया जाता है, उस प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। और प्रोडक्ट जो है इसको कस्टमर को दिया जाता है, प्रोडक्ट कस्टमर की मांग, रुचि, फैशन, आदत, उनके अनुसार तैयार किया जाता है। ग्राहक की क्या इच्छा है, ग्राहक की क्या मांग है, उसके अनुसार प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। अब प्रोडक्ट जो है, उत्पाद जो है, उसको ग्राहक तक पहुंचाने की क्रिया, उत्पाद को इंडस्ट्री से ग्राहक तक पहुंचाने के लिए जिन समस्त क्रियाओं को किया जाता है, उन समस्त क्रियाओं को, उन ऑल ऑफ द एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, इंडस्ट्री से उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने की क्रिया कॉमर्स कहलाती है, क्लियर। तो हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री क्या है और हमने पढ़ा कॉमर्स क्या है। अब बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट या जो गुड्स तैयार जो होता है, गुड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में जो गुड्स तैयार जो होता है, माल जो तैयार होता है, उस माल को हमने तीन भागों में बांटा है, वी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट नंबर जो है वो है कैपिटल गुड्स। फर्स्ट नंबर क्या है, कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स जो है, उस कैपिटल गुड्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि कैपिटल गुड्स से क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इनके क्लासिफिकेशन की, इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उनको तीन भागों में बांट दिया, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे पहले हम कंज्यूमर गुड्स को पढ़ेंगे। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, तो कंज्यूमर गुड्स जो होता है, इंडस्ट्री में प्रिपेयर वो गुड्स, वह माल जिसका उपभोग उपभोक्ता करता है, जिसका उपयोग ग्राहक सीधा करता है,
ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए जो चीज तैयार की जाती है उन्हें बोलेंगे हम कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? तो कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो अदर इंडस्ट्रीज के लिए तैयार होता है। तो कंज्यूमर जो गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स में हमने क्लॉथ्स जो है, ठीक है, दस एग्जांपल क्लॉथ्स की बात करें, रोटी, कपड़ा, दवाई, पढ़ाई वगैरह जो होती है, ये सब क्या होती है? कंज्यूमर गुड्स होती है। मतलब जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, ठीक है, ये मार्कर मैं काम में ले रहा हूं, ये कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, ये शर्ट मैंने पहन रखी है, ये कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, कोई परफ्यूम मैं लगा रहा हूं, कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, तो जो सीधी उपभोक्ता के काम में आती है उसे हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं तो कैपिटल गुड्स में वो सभी गुड्स शामिल होंगे जो दूसरी इंडस्ट्री के उत्पादन में, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए तैयार किए जाते हैं, दूसरी इंडस्ट्री में उनका यूज प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी है, प्लांट है, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कैपिटल गुड्स है। तीसरा है इंटरमीडिएटरी गुड्स। इंटरमीडिएटरी जो गुड्स है, इंटरमीडिएटरी गुड्स नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जो दूसरे उद्योगों में प्रोसेस इन सम अदर इंडस्ट्री, जो दूसरे उद्योगों में प्रोसेस के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे रबर है, ठीक है, प्लास्टिक है, ठीक है, आपके आयरन वगैरह है, स्टील वगैरह जो है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो दूसरे इंडस्ट्री में प्रोसेस के लिए काम में लिए जाते हैं, जो दूसरी इंडस्ट्री में जाकर के दूसरी चीजों का निर्माण करते हैं, जिनसे दूसरी चीजें बनती है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और कॉमर्स के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इंडस्ट्री जो है, इस इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब से पहले हमने प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन किया, अब हम इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री को हमने दो भागों में डिवाइड किया, फर्स्ट इज जेनेटिक और दूसरा जो है वो है एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक को बोलेंगे जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव को बोलेंगे निष्कर्षण। तो जेनेटिक में क्या है? जेनेटिक जो है, जेनेटिक में नाम से पता लग रहा है जनन, जनन मतलब होता है उत्पन्न करने की क्रिया, ठीक है, प्रजनन क्रिया इसमें शामिल होती है। तो बात करेंगे कि जेनेटिक जो है, जेनेटिक जो है, जेनेटिक में ब्रीड इंप्रूवमेंट किया जाता है। ठीक है, ब्रीड इंप्रूवमेंट जो है ये जेनेटिक में शामिल होती है। और बात करें दूसरा एक्सट्रैक्टिव, तो एक्सट्रैक्टिव जो है, एक्सट्रैक्टिव में हम अर्थ जो है, अर्थ से, एयर से, वाटर से जो चीजें हम रिसीव करते हैं, ठीक है, उनको किसमें शामिल करेंगे? एब्स्ट्रैक्टिव में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों जो शामिल है, ये दोनों, जैसे जेनेटिक का एग्जांपल यहां पर मैंने आपको बता रखा है, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, ये सब किस में आता है? जेनेटिक में, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्टिव में क्या क्या आता है? ऑयल एंड गैस है, कॉल एंड आयरन है। बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि ये दोनों जो है, जेनेटिक और एब्स्ट्रैक्टिव, ये दोनों किसके पार्ट है? तो देखो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री को हम आगे पढ़ेंगे, तो ये दोनों जो है, ये दोनों प्राइमरी के पार्ट, बोलो किसके पार्ट हैं? प्राइमरी के पार्ट हैं, ये दोनों प्राइमरी के पार्ट हैं। अब हमने बात की कि जेनेटिक और जो एक्सट्रैक्टिव जो दोनों पार्ट हैं, ये किसके पार्ट हैं? ये दोनों के दोनों प्राइमरी के पार्ट हैं। मैंने आपको पहले जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव क्यों बताया? क्योंकि जेनेटिक मतलब जिसमें जेनेटिक क्रिया आती है, ब्रीड इंप्रूवमेंट आता है, और एक्सट्रैक्टिव मतलब जिसमें हम अर्थ से चीजें प्रोसेस करके प्राप्त करते हैं। जब अर्थ से हम चीजें प्राप्त कर रहे हैं, एयर से हम चीजें प्राप्त कर रहे हैं, वाटर से हम प्राप्त कर रहे हैं, तो जैसे एग्रीकल्चर वगैरह है, ये सब चीजें प्राइमरी में शामिल होती है। इसलिए इंडस्ट्री का जो पहला डिवीजन है, डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रीज की हम जो बात कर रहे हैं, तो पहला डिवीजन इंडस्ट्री का जो है वो है प्राइमरी, प्राथमिक। तो प्राइमरी में क्या शामिल होता है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी जो इंडस्ट्री है उसमें नेचर से जुड़ी हुई चीजें, ये सारी नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं, ब्रीड इंप्रूवमेंट वगैरह है, जो आपके एक्सट्रैक्टिव जो हम कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ, तो एक्सट्रैक्टिव जो हम प्रोसेस काम में लेते हैं, या जो जेनेटिक प्रोसेस जो काम में लेते हैं, वो सब हम नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उन पे वर्क करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करना, या ऐसे कहें कि नेचर से जो हम जो चीजें प्राप्त, डायरेक्टली प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी चीजों को हम किस में शामिल करते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री में। क्लियर? तो इंडस्ट्री का पहला जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है? प्राइमरी इंडस्ट्री।
दूसरी जो इंडस्ट्री है हम उसका अब आगे पढ़ते हैं कि दूसरी इंडस्ट्री कौन सी है। तो चलिए आगे, अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है उनको हमने तीन भागों में बांटा। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी। ठीक है, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी, थर्ड इज टर्शरी, प्राथमिक, गौण और सेवा क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेवा क्षेत्र, प्राथमिक, गौण और सेवा क्षेत्र। इनको तीन भागों में हमने बांट दिया। क्लियर। अब सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी इंडस्ट्री की, तो प्राइमरी जो इंडस्ट्री है इसमें, प्राइमरी इंडस्ट्री में दोबारा फिर बता रहा हूं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है, रॉ मटेरियल जो है, उनको फिनिश गुड्स में तैयार करते हैं, लेकिन इनके द्वारा फिनिश गुड्स जो तैयार किया जाता है वो फॉर अदर इंडस्ट्रीज, दूसरी इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हमने बात की कि प्राइमरी इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स है उसको फिनिश गुड्स में तो तैयार करते हैं, लेकिन किसके लिए? फॉर अदर इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करते हैं। ठीक, सेकेंडरी इंडस्ट्री की ओर चले तो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है इसमें इनके द्वारा, प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया जो गुड्स है, प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया जो फिनिश गुड्स है वो इनके लिए क्या होगा? वो इनके लिए रॉ मटेरियल होगा, और वो इनके द्वारा प्रिपेयर फिनिश गुड्स जो है, तैयार जो फिनिश गुड्स है उस फिनिश गुड्स पर प्रोसेस करती है, एंड प्रोसेस करके उनको फिर से दोबारा फिनिश गुड्स में तैयार करती है, और फिर उनको ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स के लिए तैयार करती है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन जो है, कॉटन एग्रीकल्चर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कॉटन को एग्रीकल्चर से प्राप्त किया और उसको प्राप्त करके सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए तैयार, तो कॉटन प्राप्त करना, कॉटन रिसीव करना, कॉटन तैयार करना क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री है। ठीक है, और उस कॉटन से फिर हमने क्लॉथ बना दिए, कपड़े तैयार किए, तो कॉटन प्राप्त करना प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है, जबकि कॉटन से कपड़े बनाना किसका पार्ट है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। और उस कपड़ों, उन कपड़ों को, उस कपड़े को जहां पर नीडेड कस्टमर्स है, उन नीडेड कस्टमर्स के पास, नीडेड पर्सन के पास पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, हमें व्हीकल की आवश्यकता पड़ेगी, व्हीकल में ले जाने के लिए हमें इंश्योरेंस की आवश्यकता पड़ेगी, रिस्क को कम करने के लिए हमें इंश्योरेंस की आवश्यकता पड़ेगी, हमें ट्रांसपोर्ट के लिए मनी की आवश्यकता पड़ेगी, बैंकिंग की आवश्यकता पड़ेगी, बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें बैंकिंग की आवश्यकता पड़ेगी, मनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो सभी चीजें जो हेल्प टू ग्रो, वो सभी चीजें जो बिजनेस को हेल्प टू ग्रो में काम आती है, मतलब बिजनेस के लिए सहायक सिद्ध होती है, सहायता करती है, तो सहायता करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो सब सर्विस सेक्टर में या टर्शरी क्षेत्र में शामिल होते हैं। बच्चों फिर दोबारा बता रहा हूं, प्राथमिक क्षेत्र में हमने प्रकृति प्रदत्त जो कच्चा माल है उस कच्चे माल को फिनिश गुड्स में तैयार किया, उस कच्चे माल को हमने प्राप्त किया, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, रॉ मटेरियल से, नेचुरल रिसोर्सेज हमें जो प्राप्त हुआ है उसको हमने दोबारा फिर से उस पर वर्क किया, उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए भेजा, और सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसको नया रंग रूप आकार दिया गया और उसको फिनिश गुड्स तैयार किया गया, तो वो क्लोथ्स के रूप में पैदा हुआ, या फिर हम कहे कि एक नया माल तैयार हुआ, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। और टर्शरी जो है, सेवा क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करता है, सहायक भूमिका के रूप में काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, आपके जो भंडारण वगैरह जो होता है, एकत्रीकरण जो होता है, वो सारी चीजें किसमें शामिल होती है? टर्शरी में। तो ये तीन क्षेत्र थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हमने प्राइमरी का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी जो इंडस्ट्री है उसको हमने शुरू में पढ़ा कि जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, वो इसीलिए पढ़ाया था कि दोनों का संबंध किससे है? नेचुरल रिसोर्सेज से है। जेनेटिक में जहां उनकी जो ब्रीड है उनकी ब्रीड को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, वहीं एक्सट्रैक्टिव में अर्थ से, वाटर से, एयर से हम चीजों को प्राप्त करके उनको और एक्सट्रैक्टिव करते हैं और निष्कर्षित करते हैं और एक नया माल तैयार करते हैं। तो ये तो था प्राथमिक का क्लासिफिकेशन। अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ सेकेंडरी एंड डिवीजन ऑफ टर्शरी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आएगी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि
अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।